अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। मेन्यू में क्या है आज? हमारे मेन्यू में क्या है आज? हमारे मेन्यू में है ज़बरदस्त से ये दही के रोल। दही के रोल जो मैं बना रही हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश है और बहुत ही कम सामान डलता है, और फिर शाम में चाय के साथ या अफ्तार में इसको बनाएं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत कम सामान में बहुत जल्दी से बन जाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप दही लिया है मैंने, 1 कप मैंने चावल का आटा लिया है, 2 चम्मच खाने वाले मैंने लिए हैं क्रीम के, 2 चम्मच हमने लिए हरा धनिया बारीक काट लिया है, 2 अदद हरी मिर्ची ली है जिनको बारीक काटा हुआ है मैंने, 1/2 चम्मच हमने लिया है बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच हमने लिए है कुटी लाल मिर्च, और हसबे जायका हमने लिए नमक। ठीक है, तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे। ठीक है, बाउल ले लें या फिर कोई मलमल का कपड़ा हो वो ले लें, उसमें हमने इसमें दही को छान लेना है। तरीके से इसको 3 से 4 मिनट हम इसको कर लेंगे और दही का सारा पानी हम इसमें ड्राई कर लेंगे, बल्कि ऐसा करें 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं ताकि इसका दही का पानी अच्छे से उसमें से ड्राई हो जाए। पंद्रह मिनट हो गए, दही को हमने छन्नी में डाल के रखा होता है, इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है। ठीक है, ये देखिए कैसा हमारा दही बन गया। इसको दही को हमने डाल देंगे एक बाउल के अंदर। ठीक है, दही का सारा पानी ड्राई हो गया, अब हमने इसमें तमाम मसाले डाल लेना है। ये हमने लिया था बेकिंग पाउडर, नमक, कुटी मिर्ची और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डाल देंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे हरा धनिया। दही में हमने सारे मसाले मिला लिए और अब ये हम चावल का आटा इसमें मिक्स कर देंगे। ठीक है, चावल का आटा मिला के हमने इसको अच्छे से पेस्ट की शक्ल में बना लेना है। अब साथ ही हम इसमें डाल देंगे क्रीम। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे। ठीक है, इसके अंदर इसको हमने एक पेस्ट की शक्ल बना लेनी है। इसको डो को हम तरीके से हाथ से मसल मसल के तैयार कर लेंगे। ऐसे हमारी बिल्कुल से तैयार हो गई है, अच्छी से डो बन गई है। हमने इसको रखना नहीं है। ठीक है, हमने कुकिंग ऑयल रख दिया है गर्म होने के लिए चूल्हे पे। ठीक है, हमने इसमें मिक्स करने के बाद इसकी डो तैयार करके हमने फ़ौरन ही इसके रोल बना लेने हैं। इसको शेप दे लेंगे, शेप दे के फिर इसको शेलो फ्राई करते हैं। ऐसे हम सब तैयार कर लेंगे। इन तमाम रोल को शेप दे लिया, अब हम इसे डीप फ्राई नहीं करेंगे, शेलो फ्राई करेंगे। कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो गया है, डालते जाएंगे। डाल के फौरन आपने हिलाना नहीं, बहुत ही मजे के बनते हैं, बहुत कम सामान में बनते हैं, बहुत जल्दी से बन जाते हैं। एक साइड से गोल्डन हो गए,
इस तरीके से हम इसे टर्न करेंगे। इतना प्यारा सा कलर आ गया इसका भी। रोल हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए गोल्डन। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो गए। कैसा बने? मज़ेदार। तो आज के हमारे योगर्ट रोल्स बिल्कुल तैयार हैं। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया, ऐसे इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।